अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी मशीन कुछ ख़राब हो गई है, ये ओवरलॉक की मशीन है। तो हुआ क्या था कि मैं घट का पेपिस ओवरलॉक कर रही थी, जिससे सुई टूटने की वजह से टाँका छोड़ रही है मशीन। अब मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देते ताकि किसी दूसरे भाई को काम आ जाए। हम इसको कैसे सही करेंगे वो आप देखिए। ये देखिए, मैं इसको डबल करके सिलाई मार के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए कहीं कहीं पे टाँका छोड़ रही है, यहाँ पे इससे भी ज़्यादा। अगर घट मारूँ तो टाँका ज़्यादा छोड़ रही है। ये देख सकते हैं, पहले मैं पतला कपड़ा पे मारा तो टाँका कम छोड़ी, अभी मोटे कपड़े पे मारा तो टाँका इस तरह छोड़ रही है, ऐसा छोड़ रही है टाँका, यानी टाँका पकड़ नहीं रही है। तो करेंगे हम क्या, सबसे पहले ये प्लेट को खोलेंगे। कभी कभी क्या रहता है कि कपड़ा इसके अंदर कचरा फंस जाने की वजह से भी टाँका छोड़ती है। मशीन को हम साफ कर लेंगे ताकि गड़बड़ कहाँ पे है क्या है वो हमें देखे अच्छा से। ये देखिए, ये जो सुई है ना मेरा, ये इसमें ठीक तरह से सट नहीं रहा है। ये देखिए, ये सुई ठीक तरह से सटे तो टाँका नहीं छोड़ेगी। ये देखिए थोड़ा हट रही है, ये थोड़ा सा हट रही है, इसकी वजह से टाँका छोड़ रही है। ये ऐसा लगता है जो सुई टूटी थी ये रेड ऊपर हो गई है, ये जो रेड है सुई का रेड ऊपर हो गई है। तो ये रेड खोलने के लिए थोड़ा ऊपर करेंगे, लेकिन हम इसको रेड को खोलेंगे नहीं, हम थोड़ा सुई नीचे करके देखेंगे। अगर सुई नीचे करने से काम बन जाएगी तो अच्छी बात है, बाद में टाइम मिलेगा तो फिर रेड खोल के सेटिंग अच्छा से कर लेंगे। सुई थोड़ा सा नीचे करेंगे, अब हम इसको टाइट कर लेंगे। अब हम सिलाई मार के देखेंगे कि हमारा टाँका वैसा ही छोड़ रहा है या कुछ सुधार हुआ है। ये ढक्कन को पहले बंद कर लेंगे, कपड़ा कहाँ गई।
देखिए सिलाई तो अभी तक वैसा ही है, टाँका छोड़ रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं टाँका छोड़ रही है, कहीं कहीं पे छोड़ रही है। ये डबल कपड़ा है, इसके वजह से इससे भी ज़्यादा घट मारेंगे तो टाँका छोड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और सुई को नीचे करेंगे, अगर इससे काम बन जाए तो सही है, नहीं तो ये रड को खोलना पड़ेगा। देख लेते हैं, अभी हम इसको सिलाई मार के देखते हैं। मैंने अब सुई थोड़ा नीचे कर लिया है, सिलाई मार के देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट में धागा इतना छोड़ा है, उसके बाद कहीं पे भी धागा टाँका नहीं छोड़ी है, यानी फर्स्ट में सुई का जो सेटिंग है ना, हम सुई नीचे की उसके हिसाब से ये थोड़ा सा छोड़ देती है, लेकिन फर्स्ट में छोड़े तो ऐसा कोई भी ख़राबी नहीं होती है। लेकिन फिर से मैं एक सिलाई मार के देखता हूँ कि अब मेरा टाँका छोड़ रही है या सही हो गई है। ये देखिए अभी भी हल्का हल्का कहीं कहीं पे छोड़ रही है टाँका। ये देखिए यहाँ पे एक टाँका छोड़ ली, यहाँ पे एक टाँका छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको नहीं खोलेंगे, हम प्लेट पहले खोलेंगे। कभी कभी क्या होती है, इसमें अगर कुछ कचरा या कुछ फंसी रहती है तो सही से टाँका नहीं पकड़ती है। ये प्लेट बहुत हिसाब से निकालना पड़ता है। देखिए इसमें देखिए कचरा कितना है। ये हमेशा हम ये मशीन खोलते नहीं हैं क्योंकि ओवरलॉक है, जल्दी सेटिंग नहीं होती है। अगर बिगड़ गया तो बहुत टाइम लगती है सेटिंग करने में, बड़ी मशीन है तो जल्दी हो जाती है सेटिंग। ये देखिए इसके नीचे हिस्सा में भी कचरा है। कचरा तो मैं साफ़ कर लिया हूँ, अब इसको फिट कर लेता हूँ, फिर उसको सिलाई मार के देखता हूँ मेरा सिलाई सही दे रही है या टाँका छोड़ रही है पहले जैसा। बहुत आराम से लगाना पड़ता है ये प्लेट। इस बार तो मैं एक ही बार में सेट हो गया, नहीं तो बहुत टाइम लगता है ये प्लेट सेट करने में, क्योंकि इसमें तीन सुई रहती है, तीनों सुई
आगे पीछे हो जाती है, प्लेट लगाने में अटकती है। इसका स्क्रू टाइट कर लेते हैं। अब इसको हम साइड से ही ढक्कन को लगा लेंगे। अब यहाँ सुई का सेटिंग देख लेंगे, सुई का सेटिंग मेरा सही है या नहीं। देखेंगे कि थोड़ा हमें ये इसका सेंटर थोड़ा आउट दिख रही है। ये जो सुई दिख रही है, ये सुई थोड़ा बाहर आ गई है। इसको हल्लू हल्लू अंदर में करता हूँ, इसको ज़्यादा तेज़ी से मारे तो टूट जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा हल्लू। हाँ, देख लेते हैं। तो पकड़ रही है। एक अच्छा सा कपड़ा ले लेते हैं। ये देखिए, देखिए हमने सिलाई तो मारा है लेकिन कहीं पे भी टांका नहीं छोड़ी है। लेकिन दूसरा ख़राबी पैदा क्या हो गई है, ये सिलाई है ना, ये देख सकते हैं, ये ज़्यादा लूजिंग हो गई है। तो सिलाई का सेटिंग तो हम ऊपर से भी मिला लेंगे, लेकिन हमारा जो टांका छोड़ने का जो बीमारी था मशीन में वो ख़त्म हो गई है। तो हम इसको बंद कर लेंगे ऊपर से, बाद में यहाँ से या यहाँ से हम मिला सकते हैं, या ऊपर से मिला लेंगे। इसको टाइट ढीला करके हम सिलाई मिला लेंगे, नहीं तो यहाँ से भी टाइट ढीला करके ये झाल से भी हम मिला सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से भी टाइट ढीला करके सिलाई को मिला लेंगे। लेकिन जो ख़राबी थी वो ख़राबी दूर हो गई है, टांका छोड़ना बंद हो गई है। फिर से हम एक बार सिलाई मार के दिखा देते हैं। मैं पतला ही कपड़ा पे मार रहा हूँ, लेकिन पतला कपड़ा पे कहीं कहीं पे टांका छोड़ रही थी, मोटा कपड़ा पे ज़्यादा छोड़ रही थी। ये देखिए, कहीं पे भी टांका नहीं छोड़ा। हम अब सिलाई को मिलाएंगे, इसको टाइट करेंगे थोड़ा। अब सिलाई मार के दिखाते हैं। थोड़ा और टाइट करेंगे। अब ये देखिए, हमारा सिलाई
अच्छा हो गई लूज। इधर का देख सकते हैं, इधर का सिलाई बहुत लूजिंग है और फिनिशिंग भी नहीं है। अभी हम इसको सेटिंग किए, इसको थोड़ा टाइट किए तो धागा फिनिशिंग आ रही है। कभी भी आपको परेशानी ऐसा हो जाए तो आप इसी तरह सही कर सकते हैं। और दूसरा कुछ बीमारी रहे तो अभी तो मेरे पास कोई, अगर कुछ दूसरा बीमारी पैदा हुआ तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। अगर कोई भी सवाल है मशीन, अगर आपका भी मशीन कुछ भी ख़राबी हो गया है, जहाँ तक जानकारी है मुझे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका तरीका बता दूँगा, आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।